सो वेलकम बैक गाइज, मैं हूं आपका भाई सेखो भाई, स्वागत करता हूं एक और न्यू वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है तासवा स्किल कॉम्बिनेशन और कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। प्रीवियस वीडियो में बताया था तासवा का न्यू एबिलिटी, टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ बताया था, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ। अगर अभी तक नहीं देखे हो देन आई बटन में लिंक मिल जाएगा, ऊपर देखो, बट इस वीडियो के बाद देख लेना। ओके, तो आज मैं टोटल दो कॉम्बिनेशन बताऊंगा, नंबर वन रसर कॉम्बिनेशन एंड नंबर टू एक प्रॉपर बैलेंस्ड कॉम्बो बताऊंगा। सो गाइस, नंबर वन रसर कॉम्बिनेशन, एक्टिव स्किल में ऑब्वियसली तासवा कैरेक्टर होगा क्योंकि उसी के ऊपर वीडियो बन रहा है, तो तासवा कैरेक्टर होगा। तासवा रस के लिए एक परफेक्ट कैरेक्टर है, स्प्रिंटिंग स्पीड को इंक्रीज करता है। डिटेल्स में अगर जानना है देन इस वीडियो को देख लेना। ओके, देन तासवा के साथ कौन कौन सा पैसिव कैरेक्टर को यूज करना चाहिए रसर कॉम्बिनेशन में। देखो, रस के लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर वन कैरेक्टर का स्पीड और नंबर टू फायरिंग स्पीड। तो नंबर वन पैसिव कैरेक्टर है दशा, जो रेट ऑफ फायर एंड मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज करती है, बट एक कंडीशन है, फर्स्ट एनिमी को नॉक करने के बाद रेट ऑफ फायर एंड मूवमेंट स्पीड इंक्रीज होगा ओनली 6 सेकंड के लिए। देखो, दशा रस के मामले में तो खतरनाक है, अगर एनिमी को तुम्हें जल्दी मारना है देन दशा से बेस्ट कैरेक्टर नहीं है। और तो और दशा को यूज करके तुम इजी ड्रैग हेडशॉट भी मार सकते हो। ड्रैग हेडशॉट मारने के लिए रेट ऑफ फायर होना जरूरी है, और रेट ऑफ फायर किसके पास है, दशा के पास। देन सेकंड पैसिव कैरेक्टर है केली। देखो, दशा से रेट ऑफ फायर एंड मूवमेंट स्पीड मिल गया लेकिन 6 सेकंड के लिए, बट अगर तुम एक रसर हो देन एनिमी से ज्यादा स्पीड होना चाहिए, तो इसीलिए केली को रखा हूं, जो 6% स्प्रिंटिंग स्पीड इंक्रीज करती है। तुम्हारा कैरेक्टर का पूरा गेम में स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, एंड केली को यूज करने से तुम्हें डैमेज का भी बेनिफिट मिलेगा, जो इलाइट के लिए वो डैमेज इंक्रीज करती है। सो गाइस, अब स्पीड मिल गया, रेट ऑफ फायर भी मिल गया, अब और क्या चाहिए। देखो, ज्यादातर रसर प्लेयर हेडशॉट प्रीफर करते हैं, हेडशॉट मारते हैं, तो इसीलिए थर्ड पैसिव कैरेक्टर है उल्फ्रा। ये क्या करता है, हेडशॉट डैमेज को 30% ब्लॉक करता है। जब ओपोनेंट एनिमी तुमको हेड मारेगा तो 30% कम डैमेज लगेगा, बट जब तुम एनिमी को हेडशॉट मारोगे देन 30% एक्स्ट्रा डैमेज लगेगा। ओके, मींस अब तुम हेडशॉट से बच सकते हो, लेकिन एनिमी को कोई हेडशॉट से बचा नहीं सकता है। सो ये था रसर कॉम्बो, तासवा स्पीड देगा, दशा रेट ऑफ फायर और स्पीड दोनों देगी, केली भी स्पीड के साथ डैमेज देगी, एंड उल्फ्रा हेडशॉट डैमेज देगा और हेडशॉट डैमेज को ब्लॉक करेगा। देन सेकंड बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन, देखो रसर कॉम्बो में सारे कैरेक्टर रस के लिए है, बट बैलेंस्ड कॉम्बो में रस भी होगा, सर्वाइव भी होगा, सपोर्टर का भी रोल होगा, ऑल टोटल सब कुछ होगा। यहाँ हेडशॉट बॉडी शॉट कुछ मैटर नहीं करता, तो एक्टिव स्किल में तो तासवा कैरेक्टर एबिलिटी तो आपको पता है। देन बैलेंस कॉम्बिनेशन का नंबर वन पैसिव कैरेक्टर है मोको। एनिमी का लोकेशन को रिवील करती है, एनिमी का बचना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि ये मोको टैग सिर्फ तुम्हें नहीं तुम्हारे टीममेट को भी शो करेगा, तो इसीलिए बोला मोको टैग से बचना मुश्किल है। देन सेकंड पैसिव कैरेक्टर है फॉर्ड। फॉर्ड को यूज करने का दो रीजन है, पहला तो फॉर्ड 3 सेकंड में 30 HP देता है, जो कि बहुत ही तगड़ा है, मरते मरते तुम बच सकते हो। एंड सेकंड रीजन है तासवा के साथ फॉर्ड को जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि फॉर्ड का स्किल को एक बार यूज करने के बाद 20 सेकंड का कूल डाउन टाइमिंग चाहिए, या फिर अगर तुम एक्टिव स्किल को यूज करते हो देन फॉर्ड का स्किल रीसेट हो जाएगा। किसी भी एक्टिव स्किल को यूज करने से फॉर्ड का स्किल रीसेट हो जाएगा, तो तासवा का स्किल को तुम 3 बार यूज कर सकते हो लगातार, इसीलिए मैं बोला तासवा एंड फॉर्ड का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। एंड लास्ट स्लॉट में तुम किसी भी एक पैसिव स्किल को यूज कर सकते हो, जैसे कि रफेल, अलवारो, हयातो, बट मैं अलवारो को यूज करता हूं क्लास कोड में, क्योंकि अलवारो ग्रेनेड का डैमेज को इंक्रीज करता है, एंड एक ग्रेनेड को 4 अलग-अलग ग्रेनेड में डिवाइड भी कर देता है, तो इसीलिए मैं अलवारो को यूज करता हूँ। ओके, आप कौन सा कैरेक्टर को यूज करोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो गाइस, ये दोनों कॉम्बिनेशन को यूज करो और याद से बताना कौन सा बेस्ट है। वीडियो अगर अच्छा लगा देन लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम्हें तासवा टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए देन लेफ्ट साइड वीडियो को क्लिक करो, एंड राइट साइड में तुम्हें दिमित्री के ऊपर डिटेल्स में वीडियो मिल जाएगा, जाके देख लेना। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और बात है गाइस, आप लोग स्ट्रोम ब्रदर को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाओ और इंस्टाग्राम में स्ट्रोम ब्रदर्स को फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम में 10,000 फॉलोअर कंप्लीट होने पे हम लाएंगे आप लोगों के लिए एक सरप्राइज, वो क्या होने वाला है वो आप लोगों को तभी पता चलेगा। ओके, बाय बाय।